नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से एक बार मैं मित्र आपका जितेंद्र सिंह चौहान। मेरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर जेएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टैग। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं स्टेट यूपी से यानी उत्तर प्रदेश से जिला रामपुर तहसील टांडा ग्राम पीपली नायक का रहने वाला हूं। तो कई सारे किसान भाइयों ने बोला है कि आप ये किस तरह से चलाते हो पंप, इसकी सीरीज कैसे बनाते हो, कैसे है, मतलब क्या है, कैसे लगवाना है, कैसे नहीं लगवाना। तो सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए सोलर पंप के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी समस्या है हमें कमेंट्स करके बताएं। तो देखिए, मैं आज इस पंप की मैं ए टू जेड जानकारी आपको देने जा रहा हूँ और मैं सभी देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें देखते हुए, शुरू से देखें कि कैसे कैसे मैं दिखा रहा हूँ सारा। जो भाई लोग जानते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं पता है सोलर पंप के बारे में, तो मैं सारा आज इसका डिटेल में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कई सारे किसान भाइयों ने बोला है कि आप कैसे इसकी सीरीज बनाते हो, कैसे चलाते हो, हमको ये बताना। इसकी कीमत के बारे में ही बताऊंगा, मैं सारा बताऊंगा कितना खर्चा आता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो कृपया करके देखें वीडियो को। देखिए, ये रहा रोटोसोल का डीसी सोलर वाटर पंप 2 HP। ये देखिए, देख रहे होंगे रोटोसोल कंपनी का है ये 2 HP का। ये रहा, देखिए ये पंप लगा है और ये इसमें यहां पर बोरवेल है, ये बोरवेल पे फिट है। ये तो सभी लोग जानते होंगे कैसे फिट होता है। दूसरी चीज, ये रहा इसका कंट्रोलर जिसको हम चलाते हैं। देखिए, ये भी रोटोसोल कंपनी का ही है, ये देखिए, ठीक है। तो मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि ये डीसी पंप है हमारा, ये जो पंप है ये डीसी मोनोब्लॉक है। आप इसे कंट्रोलर चाहें तो लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। इन केस आपको कंट्रोलर नहीं मिलता है, आपको केवल पंप मिल जाता है, या मान लीजिए कंट्रोलर ठीक से वर्क नहीं कर रहा, या बाय द वे इसमें कोई मिस्टेक आ गई, तो आप इसको हटा करके सीधे ये जो दो तार हैं, एक लाल और एक काला दिखाई दे रहा है जो हम कंट्रोलर में जोड़े हैं, उसको हम सीधे लाल वाले को लाल में जोड़ेंगे मोटर के और काले वाले को काले में जोड़ देंगे, कंट्रोलर में ना लगा के सीधे मोटर में। फिर ये सेम अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। कंट्रोलर इसलिए होता है क्योंकि इनकेस कभी कभी हमारा बोरवेल पानी छोड़ जाता है, करंट ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कंट्रोलर होता है। अगर आपका पानी छोड़ जाता है ये मोटर, तो ये ऑटोमेटिक इससे क्या होता है, पंप हमारा बंद हो जाता है, सूखा नहीं चलता, तो उसमें हमारे पंप की फूकने की या और भी कोई खराबी आने की दिक्कत नहीं होती है। अब अगली चीज किसान भाइयों, मैं दिखाना चाहता हूं इसका कनेक्शन कैसे करते हैं आपको। तो देखिए, गौर से देखिए, स्किप ना करें वीडियो को बिल्कुल भी, आगे ना बढ़ाएं, अगर अच्छी जानकारी चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहे 300 वाट के 6 पैनल, ये देख सकते हैं, ये 300 वाट के 6 पैनल हैं। अब इनकी सीरीज कैसे बनाते हैं हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये यहां पर ये 2 पैनल हैं आमने सामने, तो देखिए ये वाला जो तार है ये प्लस का है, ये इधर वाला, और वो माइनस का है। हमने इन दोनों पैनल के प्लस माइनस को आपस में जोड़ दिया, ये देखिए, ये हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारे पास दो तार बचे सीरीज बनी, तो एक ये माइनस का बचा, ये वाला तार, और एक प्लस का, वो पड़ा है नीचे, हाँ ये देखिए, तो ये प्लस का बचा। तो हमने इस प्रकार से ये प्लस और माइनस के तार इसमें लगा दिए। अब इसी प्रकार से देखिए, ये माइनस का हो गया ये वाला, और ये हो गया प्लस का तार, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने ये दो दो पैनल की 3 सीरीज बना ली, ठीक है। क्योंकि मैं आप एक बार फिर से बता देता हूं, पंप की जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी है 60 से लेकर 90 वोल्ट तक, 60 वोल्ट से 90 वोल्ट तक ये वर्क करता है, 50 वोल्ट पे भी वर्क करना शुरू कर देता है। और इसको जो मैक्सिमम करंट चाहिए वो चाहिए 25 एम्पियर, 60 वोल्ट पर इसको 25 एम्पियर करंट चाहिए अधिकतम, बहुत अच्छा वर्क करता है उस पर। हमारा एक पैनल निकालता है 36 वोल्ट और 8 एम्पियर। जब हमने दो पैनल को आपस में जोड़ दिया, एक इस पैनल को और एक इस पैनल को, तो हमारे जो बोल्ट हो गए 36 दुनी 72 वोल्ट हो गए, और एम्पियर हमारे
एक जैसे रहेंगे, क्योंकि सीरीज में वोल्ट बढ़ते हैं और एम्पियर वही रहते हैं। एम्पियर हमारे कितने हो गए? 8। इसी प्रकार से ये सारे पैनल हैं, देखिए इसी प्रकार से हमने इस पैनल को और इस पैनल को जोड़ दिया प्लस माइनस इनका। एक ये काला वाला तार बचा ये वाला, और एक ये लाल वाला तार बचा इस वाले का। इसी प्रकार से हमने एक ये पैनल है और एक ये वाला पैनल है, इन दोनों को ये जोड़ दिया आपस में यहां पर प्लस माइनस। अब इसका ये काला वाला बचा और ये बचा इसका लाल वाला तार, यानी ये प्लस और ये माइनस। करना क्या है, फिर हम जो इन तीनों के हमारे पास प्लस बचे सीरीज बनाने के बाद, एक ये बचा लास्ट वाले का और ये है सेकंड वाले का और ये बचा फर्स्ट वाले का, तो इन तीनों प्लस के तारों को हम यहां ले आए। ये हमने जंक्शन बना दिया तीनों प्लस का। ये देखिए तीन लाल तार आ गए हमारे पास, तीनों पैनल की जो सीरीज बनाई, दो दो की बना ली, तो दो ही अब हमारे पास तीन काले बचे और तीन लाल, ठीक है, क्योंकि दो दो की तो हमने सीरीज बना दी, तो यानी कि हमारे पास तीन काले तार बचे और तीन लाल, तो तीन लाल ये जोड़ दिए और तीन काले हमने ये जोड़ दिए जो माइनस के होते हैं। यहां से हम इनको ले गए सीधे अपने कंट्रोलर में, इस तरह से देखिए ये हमारा वायर गया कंट्रोलर में, जा रहा है ये वायर, ये गया हमारा वायर, ये हमने इसको कंट्रोलर में लगा दिया। कंट्रोलर में ये देखो प्लस का तार है और ये माइनस का तार है यहां पर, ठीक है। अब ये तो इनपुट है कंट्रोलर का और आउटपुट जो है वो ये रहा कंट्रोलर का, नीचे ये देख सकते हैं ये आउटपुट है कंट्रोलर का, ये इनपुट है। आउटपुट वाले लाल और काले तार दो ये रहे, ये देखिए आप, ठीक है, तो लाल काला वाला तार काले पे लगा दिया मोटर का और लाल वाला लाल पे लगा दिया, ये आउटपुट का तार है। अब यहां से हमने ये सेट कर दिया पूरा सिस्टम, अभी हमारा सिस्टम ये चलाने के लिए रेडी है बिल्कुल। तो देखिए अब हम इसको चला रहे हैं और आप देखिए, देखिए कंट्रोलर जैसे ही ऑन करते हैं तो 10 से 15 सेकंड में ये ऑटोमेटिक पावर पंप को दे देता है और पंप हमारा रन करने लग जाता है। ये देखिए तो आप किसान भाइयों देख सकते हैं, ये इसका डिस्चार्ज है इस रोटोसोल वाटर पंप का, जो कि मोनोब्लॉक है 2 HP। इसकी जो चलने की अधिकतम गहराई है दोस्तों किसान भाइयों, ये 60 फीट तक मैक्सिमम चल सकता है। अगर 50 से 60 फीट तक वाटर लेवल है तो ये चल जाता है, क्योंकि इसका जो हेड है वो 20 मीटर है, ठीक है, तो ये 60 फीट तक आराम से चल जाता है। और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ये अभी इसके मुंह पर 2 या 2.5 इंच का पाइप लगा हुआ है और आप इसका फेंक देख रहे हैं पानी का परफॉर्मेंस फोर्स कितना है पानी का, ठीक है। तो किसान भाइयों हम इसको पिछले 2 सालों से चला रहे हैं और इसकी जो अधिकतम सिंचाई की क्षमता है दिन भर में, ये सुबह 7 बजे से मार्च अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर अक्टूबर चलता है, सुबह 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है और शाम को 5-6 बजे तक, जब तक धूप रहती है काफी अच्छी तब तक ये चलता रहता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है ऐसे ऐसे पानी का परफॉर्मेंस बढ़ता रहता है। तो अभी जो दिन का टाइम है वो लगभग 12:15 के आसपास या 12:30 के आसपास का टाइम है, तो धूप भी आज अच्छी है लेकिन थोड़ा थोड़ा गदीलापन है मौसम में, आप देख सकते हैं धूप, लेकिन फिर भी काफी अच्छी धूप है और इसका परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसे चलता है। तो किसान भाइयों कई बार पूछा गया है कि इसकी कीमत कितनी है, कैसे लगता है, तो आज मैं आपको देखो इसका पूरा सिस्टम बताने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुने। देखो इसके दो तरीके हैं इसको लगवाने के, अगर आप इसको प्राइवेट में लगवाना चाहते हैं बाहर से सेल्फ अपने खर्चे से, तो इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा समथिंग 1 लाख रुपए और उससे ऊपर। ये डिपेंड करता है कि कैसी लोकेशन में आप लगवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मोटर का जो प्राइस है कंपनी प्राइस और कंट्रोलर का वो इस समय 36,000 से 40,000 रुपए तक है। इसकी कंपनी गुजरात अहमदाबाद में है, वहीं पर ये मिलता है और ये ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, वो हर किसी को देते नहीं है, जो उनके वेरीफाइड परचेजर हैं उन्हीं को ये देते हैं, ठीक है। तो इसका जो पंप की और कंट्रोलर की कीमत है वो है 36,000 से 40,000 के बीच, ये कंपनी प्राइस है। उसके बाद जो डिलीवरी चार्ज लगेगा वो आपकी तरफ ड्यू होगा, जो मंगाने का चार्ज होगा ऑनलाइन वहां से वो सारा आपको देना होगा अपने खर्चे पर। एक दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो 36,000 का तो किसान भाइयों ये हो गया सिस्टम केवल कंट्रोलर और मोटर, उसके बाद ये सेंक्शन पाइप आपको खुद लेना है, इसका वायर खुद लेना पड़ेगा, पैनल आपको मार्केट से या जहां से आपको अच्छा लगे वहां से खरीदने पड़ेंगे। पैनल की कीमत इस समय मार्केट में
6,000 से 7,000, 8,000 और 10,000 तक है। ये डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी क्वालिटी का पैनल लेना चाहते हैं। तो ये 300-300 वाट के पैनल हैं, आप इसमें 200-200 वाट के भी लगा सकते हैं। 200-200 वाट के लगाएंगे तो 9 पैनल लगेंगे, और 250-250 वाट के लगाएंगे तो और 8 पैनल लगेंगे, और अगर आप 300-300 वाट के लगाते हैं तो 6 पैनल लगेंगे। मैक्सिमम करंट इसका 1800 वाट इसकी रिक्वायरमेंट है, चलने को ये 4 पैनल पे भी चल जाता है, और 6 पे तो बहुत अच्छा चलता है। आप 8 पैनल भी इस पे लगा सकते हैं, तो 8 पैनल में क्या होगा कि इसको करंट मैक्सिमम मिलेगा और काफी अच्छा वर्क ये दिन भर आपका करता रहेगा। पानी का फोर्स पूरे दिन एक समान रहेगा 8 पैनल पर। अब इसका तरीका आता है किसान भाइयों दूसरा लगवाने का, तो दूसरा तरीका यह है कि हमारे प्रधानमंत्री की ओर से राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया गया है कि भाई किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किया जाए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकें और उससे अपनी खेती की आमदनी को बढ़ा सकें, क्योंकि आजकल सौर ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रही है हमारी सरकार। अगर आप इसको सब्सिडी के थ्रू लगवाते हैं तो इसकी जो कॉस्ट है उसमें टोटल कॉस्ट में आपको 70% की सब्सिडी यानी छूट सरकार की तरफ से मिल जाती है। तरीका इसका क्या है लगवाने का, तरीका यह है आपको अपने ब्लॉक में जाके पता करना है कि किस समय आपके राज्य सरकार ने योजना निकाली हुई है सोलर पंप प्रदान करने की किसानों को, और आपको वहां जाके पता करना है। वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इसकी ऑनलाइन चल रही है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जमीन की खसरा खतौनी, ये सारा फर्द कास वगैरह देनी पड़ती है। उसके बाद आप वहां से ऑनलाइन करा के आपको ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा। यदि 1 लाख का पंप बैठता है तो आपको 30,000 रुपये का ड्राफ्ट अपने राज्य सरकार कृषि विभाग के नाम से जमा करना पड़ेगा, और वहां से आपको इसकी देखिए सब्सिडीज पे लगवाने के बाद इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितने दिन बाद आपको ये पंप मिलेगा। मिलने को आपको 6 महीने मिल सकता है, 1 साल भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकते हैं। तो किसान भाइयों मैंने पूरा बता दिया है कि सब्सिडी पे कैसे लगता है, सब्सिडी में क्या क्या आता है इसके साथ में वो आपको बता देता हूँ। सब्सिडी में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा सामान मिलेगा, पंप मिलेगा, कंट्रोलर मिलेगा, ये संक्शन पाइप आपको सेल्फ से लेना पड़ेगा, पैनल मिलेंगे 6 बायर मिलेगा पूरा, और इसका जो माउंटिंग स्ट्रक्चर आता है जो सूर्य को ट्रैक करने का, आप इसको किधर को भी घुमा सकते हैं। हमारे पास वो है नहीं क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, हमें ये लाके ले जाना पड़ता है एक से दूसरे खेत पर, तो उसके लिए हमने इसका जुगाड़ बनाया हुआ है ट्रॉली सिस्टम लाने ले जाने के लिए, हम इसको रखते हैं। और हम किसान भाइयों एक चीज और बता दें, इसको हम अपने घर में भी चलाते हैं, हमारे घर का पूरा लोड जितना भी हमारी मोटर घर की पानी वाली जिससे हम वाटर टैंक भरते हैं, अपना टीवी फैन वगैरह सारे वो हमारे इसी से चलते हैं दिन भर, क्योंकि हमने बैटरी रखे हुए हैं, उनको चार्ज कर लेते हैं और पूरी रात पूरे दिन इससे हम अपना पूरे घर का लोड इस पर चलाते रहते हैं। लाइट आए या ना आए उसकी हमें कोई टेंशन नहीं रहती है। तो किसान भाइयों बता दिया है कि आपको सब्सिडी पर लेंगे तो फिर से बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा। कंट्रोलर मिलेगा, पंप मिलेगा, 6 पैनल मिलेंगे आपको, माउंटिंग स्ट्रक्चर, और आपका इंजीनियर भी इसको क्या करने आएगा, इंस्टॉल करने के लिए आपकी साइट पर आएगा। तो मैंने सारा बता दिया किसान भाइयों के नगद में कैसे लगवाते हैं और सब्सिडी में कैसे लगवाते हैं। कई बार पूछा गया कि आपने इसकी कीमत नहीं बताई है, और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए किसान भाइयों तो मैंने अपना नंबर अपनी पिछली वीडियो में बताया है, एक नहीं दो दो नंबर बताए हैं, तो हमारी पिछली वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और इसी प्रकार से अगर कोई जानकारी हो तो हमें हमारे नंबर पर कॉल करके कभी भी आप जब भी आपको चाहिए जानकारी आप इसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। देखिए कई बार किसान भाई कहते हैं कि आप इसकी जो जहां से पानी ले रहे हो वहीं पर गिरा रहे हो, ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारा कहीं और पानी जाने का रास्ता नहीं है, हमको पाइप लगाना पड़ता है इसके मुंह पर। तो अभी यहाँ पे बोरवेल है और देखिए ये पानी यहाँ से यहाँ को हमारे खेत में जा रहा है, ये हमने फिजूल में चलाया हुआ है क्योंकि हमको जो सिंचाई करनी थी वो हम कर चुके हैं, उधर हमको चराई वगैरह भरनी थी वो हमने भर दी है, और ये हमारा देखिए पानी यहाँ से इधर जा रहा है। तो भाइयों पहले भी वीडियो डाली हुई है, अगर किसी को कोई शक हो तो हमारी सारी वीडियो देखे, इसमें कोई चलाकी वाली या आपको वो करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा का फायदा कुछ नहीं है। हम तो ज्यादा से ज्यादा सोलर पंप की जानकारी अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जैसे हम फायदा उठा रहे हैं ऐसे ही हमारे किसान भाई भी इसका फायदा उठाएं। अब देखिए ये हमारा इधर गन्ना है काफी सारा, अब हम पूरी गर्मी सारी सिंचाई इसकी इसी के माध्यम से करेंगे, और 2 साल से पिछले करते भी आ रहे हैं। तो किसान भाइयों और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जितना आप देखेंगे उतनी आपको बारीकी से जानकारी इसकी मिल जाएगी।
तो इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत किसान भाइयों, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। फिर से कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का देखने के लिए। कोई भी आपका शक हो, जानकारी लेनी हो, कुछ भी, नंबर बता दिए पिछली वीडियोज में हमने, कभी भी हमारे नंबर पर बिना किसी झिझक के आप कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी, सब कुछ आपको उसके माध्यम से बताया जाएगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह चौहान आपसे धन्यवाद कहता हूँ और आगे भी वीडियो डालता रहूंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। धन्यवाद किसान भाइयों। गर्मी पड़ रही है यार, यहाँ क्या करेंगे।